हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन करते हैं और डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं इसके थोड़े से कंसेप्ट पे और फिर हम टॉपिक पे घुसते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges and rest। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जहां पे हम चार्जेस को क्या अज्यूम करते हैं, वो रेस्ट पे है। तो यहां पे इलेक्ट्रो से मींस क्या हो गया? चार्जेस, और स्टैटिक का मींस क्या हो गया? रेस्ट। तो हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में इस टाइम पे? चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं जो कहां पे हैं? रेस्ट पे हैं। और सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अब चार्ज होता क्या है, तो चार्ज की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम। चार्ज क्या होता है? इट इज ए फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन ए मैटर। अब देखिए, चार्ज क्या होता है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कोई भी इफेक्ट क्रिएट होता है, जैसे थंडरिंग होती है, बिजली आपके घरों में आती है, जो भी चीज होता है, तो किसकी वजह से होता है? वॉशिंग मशीन चल रही है, आजकल सारा कुछ क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, तो सारा किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, कौन सा फंक्शन ऐसा काम करता है, चार्जेस कैसे मूव करते हैं, होता क्या है? तो इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे फिजिक्स की स्टडी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उसको हम इसी की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, चार्ज की एक और डेफिनेशन है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो हमारे पास ये वाली डेफिनेशन है, इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। हम अगर कोई भी आज तक देखा कि चार्ज को हम बना नहीं पाए, बट चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस करके, लेकिन हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ज कहां से आया, कैसे क्रिएट हुआ, कैसे हमने पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देता हूं। अब देखिए, जो चार्ज हमारे पास है, आया कहां से, कैसे हमको पता चला? तो हमने क्या किया कि हमने बचपन में भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हम क्या करते थे, स्केल को रब करते थे सर के साथ, और फिर अपने बालों के साथ रब करने के बाद हम किसी पेज के साथ टच करते थे और वहां से पेज उसके साथ चिपक जाता था। उसका मतलब क्या है, वहां पे कुछ है। तो है क्या, वो क्या चीज थी? वो है चार्ज। वो आज तक हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन बट होता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो हम चार्ज कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कैसे बताया गया था, कैसे कैसे आया था, कौन सा तरीका था? तो सबसे पहली थ्योरी आई थी इस पे, पहली थ्योरी का नाम था हमारे पास फ्रैंकलिन वन फ्लूइड थ्योरी। इसमें क्या बताया गया था, इसमें जो हमारे पास मैटर है वो क्या होता है, जैसे हम किसी मैटर को रब करते हैं, इसमें बताया जी कुछ फ्लूड है, इसको पूरा एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं थी, इसने क्या बताया कुछ फ्लूड है, इसको क्या करते हैं, जैसे किसी चीज के साथ रब करते हैं तो ये क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। और इसने बताया था
कि हमारे पास जो गैन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। गैन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन जब फ्लूड ट्रांसफर होगा तो जो गैन करेगा उस पर पॉजिटिव आएगा, और जो लूज करेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा था। लेकिन ये थ्योरी आउटडेटेड है, ये पुरानी हो चुकी है, इसको नहीं माना जाता है। ये क्यों, क्योंकि ये अक्सर ये ऐसा नहीं होता है, केस दूसरा है। उसके बाद दूसरी थ्योरी आई चार्ज के ऊपर, उसका नाम है समर फ्लूड टू फ्लूड थ्योरी। अब इसमें क्या बताया, इसने भी यही बताया कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं, इसने भी देखा कि एक बॉडी क्या करती है, लूज करती है, और दूसरी गेन करती है। तो उसमें भी यही बताया कि जो गेन करेगा वो पॉजिटिव होगा, जो लूज करेगा वो नेगेटिव होगा, और ये थ्योरी भी बाद में जाके रिजेक्ट हो गई। इसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी आई, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जिसका नाम हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या बताया गया है कि हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर हमारे पास भाई एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इसके आउटर शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हो गया ई, और इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव, और हमारे पास प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज होगा हमारे पास पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। और इसने ये बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बीच में फोर्स कौन सी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर हैं, इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, इनके बीच में होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब उसने ये बात यहां पे बताई कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ कौन से होगी, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा। इट में ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉलर होगी किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और हमारे पास क्या आएगा इसमें चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। और दूसरा केस इसने बताया कि अगर हम, ये फर्स्ट केस था, इसने दूसरा केस क्या बताया कि अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स, कौन सी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब ये गेन करेगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने आपको अभी तक बताया कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्मॉलर होगी न्यूक्लियर फोर्स से, तो वहां पे क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और हमारे पास चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स होगी तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखिए इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूं कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हमारे पास एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक किसी भी एटम के अंदर इक्वल होते हैं। अब मानते हैं हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है और प्रोटॉन भी कितने हैं, 2 प्रोटॉन। अब अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे कम होगी, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से कम होगी, तो हमारे पास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन, सेम रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 प्रोटॉन। अब देखिए प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास एटम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वहीं पे मैं आपको दूसरा केस समझाता हूं कि नेगेटिव केस कैसे आता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो अगर वो पॉजिटिव है तो इट मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा केस मैं आपको बता देता हूं कि
अगर हमारे पास इसमें टू इलेक्ट्रॉन है और टू प्रोटॉन है, अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इट मीन वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और यहाँ पे बन जाएंगे थ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टू प्रोटॉन। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मोर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, या तो हम इसको बोले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो इट मीन चार्ज कौन सा आएगा, इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम आपको इसके थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी बताता हूँ और मैं आपको इसके बारे में चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है वो कुछ प्रोसेस में आपको बताता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर किया जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। पहला हमारे पास है डायरेक्ट प्रोसेस। क्या है डायरेक्ट प्रोसेस? डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, मानते हैं ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। ये क्या हमारे पास कंडक्टर है और ये इसके ऊपर ये क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड, मीन्स जिसपे हमने इसको रखा हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी बॉडी जो चार्ज वाली बॉडी है, मीन्स जिसपे हमें ऑलरेडी चार्ज है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक बॉडी घर के बाहर रखा, आपने एक बॉल रखा या कोई रॉड रखा, अब मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, एक वायर लेके जा रहा हूँ या कोई बैटरी लेके जा रहा हूँ या सेल लेके जा रहा हूँ जिसपे ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, वो मैं इसके साथ चार्ज मतलब क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। मानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या करेगा, ये वाली इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा और इस बॉडी पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोसेस बाय टच, मीन्स हम टच करेंगे तो उस पे भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मानते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी वजह से? बाय टचिंग की वजह से। सेकंड प्रोसेस है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट प्रोसेस, या तो हम इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बॉडी पे जो चार्ज होगा दूसरी बॉडी पे इसके अपोजिट वाला चार्ज प्रोड्यूस करवाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको याद नहीं करना है, आपको खाली समझना है। इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस चार्ज क्या होता है, बॉन्ड चार्ज क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है, ये वो आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है इंड्यूस चार्ज, बॉन्ड चार्ज, आगे वाले यूनिट्स में हमको आएगा, चाहे इंडक्शन प्रोसेस, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, वो क्या होता है, इसलिए आपको ये क्या करना है, इंडक्शन प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। इंडक्शन प्रोसेस को हम इनडायरेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। मानते हैं मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, एक कंडक्टर लेता हूँ, इसको भी मैं इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ कि एक ये कंडक्टिंग रॉड है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं इसको इसके साथ टच नहीं करवा रहा हूँ, इसको लेकिन मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ कुछ रेंज तक, मीन्स यहाँ पे है ये, इनके बीच में कुछ थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, टच नहीं करना है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज क्या करेगा, जंप करेगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इस साइड क्या प्रोड्यूस होगा, इक्वल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? इक्वल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फिर से चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस कंडक्टर को या तो मैं हाथ से पकड़ता हूं, तो क्योंकि करंट तो नहीं लगेगी, आपने सोचना कि बहुत सारी करंट लगेगी, बहुत ज्यादा होगा, इसमें बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगी। अगर मैं हाथ से पकड़ता हूं, मैं किसके साथ टच हूं, ग्राउंड के साथ टच हूं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी,
या तो हम क्या करेंगे इसको अर्थिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने का मतलब क्या होगा कि जो एक्सेस चार्ज होगा, जो फ्री चार्ज होगा, वो क्या करेगा, वो जमीन में चला जाएगा और हमारे पास क्या बाकी वाला चार्ज इस पे बच जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम, जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या बोलेंगे फ्री चार्ज, क्या बोलेंगे फ्री चार्ज, क्या बोलेंगे फ्री चार्ज। और जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको क्या बोलेंगे बॉन्ड चार्ज, क्या बोलेंगे बॉन्ड चार्ज। अब ध्यान रखा हमने क्या कर दिया, पहले इसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गया, अब हम इसको अर्थिंग करेंगे और अर्थिंग करने के बाद क्या देखते हैं क्या होता है। तो अर्थिंग करने के बाद क्या होता है भाई लोग ध्यान रखो, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा कि इसमें खाली नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा जमीन में चला जाएगा। और फ्री चार्ज जिसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज, और फ्री चार्ज क्या होता है ये फ्रीली मूव करता हर जगह और ये क्या करेगा इजिली चला जाएगा अर्थ में, और हमारे पास क्या रहेगा इस पे बॉन्ड चार्ज और उसको कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस, क्या बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। हमने पॉजिटिव चार्ज रखा सामने लेकिन बॉडी पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड प्रोसेस, या तो बोलेंगे इंडक्शन प्रोसेस या तो बोलेंगे इनडायरेक्ट प्रोसेस। अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टीज है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा लाइट चार्जेस, लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या होगा लाइट चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। आपने देखा होगा बचपन में सबने किया होगा कि मैग्नेट आप हाथ पर पकड़ते हो तो देखते हो हम क्या करते हैं अगर डिफरेंट पोल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जैसे हम सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया दोनों, या तो पोल दोनों सेम होंगे या तो साउथ पोल होंगे या तो नॉर्थ पोल, या तो नॉर्थ पोल होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा वो रिपेल कर रहे हैं। लेकिन चार्जेस के केस में हमने क्या किया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी समझाया है, आप टेंथ का बेसिक कंसेप्ट देख लीजिएगा वहां पे भी मैंने ये आपको समझाया कि क्या किया गया था कि हमारे पास सिल्क क्लॉथ और रबड़ को लिया गया, दोनों को क्या किया गया एक दूसरे के साथ रब किया गया और हमने क्या किया रबर को लटका दिया, फिर से रबर और सिल्क को हमने क्या किया आपस में रब किया और फिर जैसे ही इसके पास लेके आए तो ये क्या करने लगा रिपेल करने लगा एक दूसरे को। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो दोनों चीजें हैं ये भी रबर है और ये भी क्या है रबर है, जब दोनों रबर है दोनों पे सेम चार्ज है तो ये क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम वहीं पे ग्लास लेके आए तो मानते हैं ये ग्लास राड लटकाया और ग्लास राड को हमने रब किया पहले सिल्क क्लॉथ के साथ और फिर दूसरे सिल्क क्लॉथ और ग्लास राड को फिर से रब किया, फिर से इसके पास लेके आए तो ये क्या करने लगे फिर से एक दूसरे को रिपेल करने लगे। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करेंगे ग्लास राड को रब करेंगे और रबर को रब करेंगे तो देखेंगे अलग अलग चीजें होंगी तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। अगर सेम चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस होगा तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या होगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर मींस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, इसके बाद वाली प्रॉपर्टी थर्ड चार्जेस आर कंजर्व, कंजर्व का मतलब क्या है ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं, किसको लॉ को फॉलो करते हैं कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक बॉडी है इसके ऊपर मानते हैं फाइव कूलम चार्ज है, कितना है फाइव कूलम चार्ज है। अब मैं इस बॉडी को क्या करता हूँ ब्रेक डाउन करता हूँ दो पार्ट्स में इसको तोड़ता हूँ, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम एक बड़ी बॉडी है इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ता हूँ तो एक बॉडी पे आता है टू कूलम दूसरी पे आता है थ्री कूलम, ऐसा हो सकता है या तो एक बॉडी पे आएगा वन कूलम चार्ज
तो दूसरी बॉडी पे आएगा 4 कूलम चार्ज। ऐसा हो सकता है कि मीन्स जो चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, चाहे हम उसको 100 पार्ट्स में क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी 5 कूलम था और यहाँ पे भी 5 कूलम, यहाँ पे भी 5 कूलम और यहाँ पे भी 5 कूलम रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसपे 0 आ सकता है, इसपे 5 को 5 आ सकता है, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसपे ज्यादा हो, इसपे क्या हो, इसपे 5 था तो इसपे 4 आ जाएगा या लॉस हो जाएगा, ये ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था चार्ज के नेदर भी क्रिएटेड नार भी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब यही होगा कि चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो चार्ज क्या होगा, ऑलवेज कंजर्व होगा। और इसके बाद वाली प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हो गया कि चार्ज हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट पैकेट्स में है रादर देन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट्स में है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, ये टूटेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर चलेगा। मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट। जैसे आपने पढ़ा है कि लाइट कैसे आती है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। किसकी फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो क्वांटा क्या होता है, वेव पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स। तो ये जो चार्ज होता है ये भी ऐसे ही चलता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। और इट इज आल्सो इन क्या, किसकी फॉर्म में होता है, इंटीग्रल फॉर्म होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इटसेल्फ। किसका मल्टीपल होगा, खुद का मल्टीपल होगा चार्ज इटसेल्फ। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज हमारे पास कितना होगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी यहीं पे दिखा देता हूँ। हमारे पास चार्ज होगा Q इक्वल टू या स्मॉल Q या कैपिटल Q, दो में से हम किसी भी चीज से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास स्मॉल Q और कैपिटल Q कितना हो सकता है, प्लस माइनस एन ई। ई क्या, हमारे पास चार्ज है, या तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस एन क्यू। ये क्यू क्या, हमारे पास चार्ज है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये एन क्या होगा, एन कभी भी एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सो आर हो सकता है। चार्ज के नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कभी भी चार्ज नहीं हो सकता है, ऑलवेज किसकी फॉर्म में होगा, चार्ज हमारे पास होगा 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम सो ऑन। लेकिन कभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा कि 1/2 कूलम, ऐसे चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन इज द होल नंबर, एन इज नॉट एन इंटीजर, एन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एन इक्वल टू होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर होता है। अब और आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट है क्या, इसका ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एटी। अब देखिए ये कहां से ड्राइव होता है, आप लोगों ने पढ़ा है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हमने निकालना है तो क्यू किसके इक्वल होगा, आई टी। और हम अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो क्यों, आई क्या है, करंट है, तो करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टी होता है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, ए टी। और ये ध्यान में रखेगा, ये थोड़ा बहुत इसका बेसिक कंसेप्ट था, इसकी प्रॉपर्टीज थी, आप इन सबको ध्यान में रखें, एक बार अच्छे से वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, जहां पे आपको कंफ्यूजन रह जाएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आप मुझे क्या कहते हैं ये कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। और यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कल हम फिर से मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मैं आपकी राय जान पाऊं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है या नहीं आता है। उसके बाद हम कल फिर से मिलते हैं, आजकल के लिए इतना ही।